हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर इन हिंदी सीरीज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम इनपुट कैसे यूजर के थ्रू हम ले सकते हैं ताकि हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो इनपुट लेने के लिए जो हमारे पास क्लास यूज होती है वो स्कैनर क्लास यूज होती है। तो स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर आती है। ये जो यूटिल होता है, यूटिलिटी पैकेज, इसके अंदर हम ये स्कैनर क्लास को यूज करते हैं। जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, जैसे कि इंट, डबल, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सारे जो डेटा टाइप है इनपुट लिया जा सकता है स्कैनर क्लास के हेल्प से। तो हमें स्कैनर क्लास यूज करने के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो रूल है उसको हम देख लेते हैं कि कैसे हम स्कैनर क्लास को अपने जावा प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करना होगा। इम्पोर्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर हमें कोई चीज अगर यूज करनी है तो उसको सबसे पहले अपने पास लानी होती है। तो जैसे कि अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, तो अगर इनपुट का कोई प्रोग्राम है जिसमें हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, मैंने बताया कि अभी ये स्कैनर क्लास को हम यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, तो हमें स्कैनर क्लास को यूज करना पड़ेगा उस प्रोग्राम के अंदर, यानी कि इम्पोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको लाना पड़ेगा, तब जाके वो हमारी जो प्रोग्राम होगी वो यूजर से इनपुट ले सकेगी। और जो दूसरा उसके अंदर काम होता है हमारे पास, वो होता है हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली करता क्या है, ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही हम वैल्यू को फेच करते हैं या फिर डेटा को फेच करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंपोर्ट कैसे करेंगे स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम के अंदर। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट यूज करेंगे। उसके बाद से हमें यहाँ पे पैकेज का नेम देना होगा, फिर उसके बाद सब पैकेज का नेम देना होता है। तो यहाँ पे जो पैकेज का नेम होगा यूटिल, यानी यूटिलिटी, और डॉट ऑपरेटर के साथ यहाँ पे स्कैनर जो क्लास है वो यूज हो जाएगा। हम डॉट के बाद अगर स्टार लगा देते हैं तो यूटिल के जितने भी सारे पैकेज होंगे वो हमारे सारे प्रोग्राम के अंदर इम्पोर्ट हो जाएंगे। तो हम वैसे भी कर सकते हैं और ये डॉट स्कैनर भी लगा के ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन स्कैनर क्लास ये डायरेक्ट यूज करने का मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम स्लो नहीं होगा। हमें जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमें स्कैनर की जरूरत थी इसलिए हम सिर्फ स्कैनर को इम्पोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे स्टार लगाएंगे तो सारी क्लासेस, सारा यूटिलिटी की ये जितनी भी क्लासेस होंगी सारा इम्पोर्ट हो जाएगा, जिससे हमारा प्रोग्राम जो क्लास को यूज नहीं करता है वो भी यहाँ पे इम्पोर्ट हुआ रहेगा। इसके लिए तो सबसे जो बेस्ट वे होता है हम सिर्फ उसी क्लास को यूज करें जो हमारे लिए यूजफुल है। और दूसरी बात है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं स्कैनर, फिर उसके बाद से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही रख दिया, इक्वल्स टू यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। फिर उसके बाद से हमें स्कैनर वापस से लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास करते हैं सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे बेसिकली सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या है कि जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट जैसे कि कीबोर्ड हो गया उसके लिए हम डॉट इन यहाँ पे यूज करते हैं, सिस्टम का इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट, तो वो हमारा हो गया कीबोर्ड। ऐसे ही आउटपुट के लिए हमारा, आपको पता है मॉनिटर यूज होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे इनपुट के लिए हमने कीबोर्ड यूज किया, इसके लिए डॉट इन यहाँ पे यूज किया। फिर हम देखते हैं कि इनपुट मेथड जो होता है वो स्कैनर का जो मेथड होता है वो कौन कौन से टाइप को हम इंसर्ट कर सकते हैं, यूजर से हम ले सकते हैं और किस तरीके से ले सकते हैं, क्या क्या मेथड हम यूज करेंगे जिससे कि हमें अलग अलग टाइप्स की वैल्यू को कैसे हम इनपुट लें। जैसे कि हमें इंटीजर लेनी होती है या फिर फ्लोट लेना होता है या फिर हमें स्ट्रिंग कैरेक्टर या फिर पूरी पूरी लाइन अगर हमें इंसर्ट करवा के ऐसे काम करना होता है तो इसके लिए हम अलग अलग जो मेथड होते हैं स्कैनर के वो हम यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे अगर हमें इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे जो मेथड यूज करते हैं नेक्स्ट इंट। इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो आगे जो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की ये जो नोटेशन है, जैसे कि यहाँ पे इंट लिखा हुआ है जिसका आई कैपिटल है, तो ये आप बेसिकली ध्यान रखें कि जैसे हमारा नया कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। मेथड में ऐसा ही किया गया है कैमल केस में, तो आप इस चीज का बेसिकली ध्यान रखें। ऐसे ही फ्लोट टाइप की कोई वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट फ्लोट जिसका एफ कैपिटल है। ऐसे हमें स्ट्रिंग या फिर पूरी की पूरी अगर लाइन इंसर्ट करानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन। तो इस तरीके से ये सारे मेथड है स्कैनर के अंदर जो हम यूज कर सकते हैं यूजर से कोई वैल्यू इनपुट करवाने के लिए। इन इन डेटा टाइप के वैल्यू को हम इंसर्ट करा सकते हैं और इन मेथड के हेल्प से। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक इस पे प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें हम यूजर से एक इनपुट लेंगे और हम उस नंबर का, जैसे कि हम कोई नंबर इनपुट लेते हैं यूजर से, फिर उसका हम स्क्वायर प्रिंट कराएंगे उस नंबर का। तो चलिए हम इसका जावा के अंदर प्रोग्राम बना के देखते हैं कि कैसे हम स्कैनर क्लास को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास एक लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर। फिर उसके बाद से एज यूजुअल हमारा मेन मेथड जो कंपलसरी होता है, यहाँ पे आर्गुमेंट हम पास कर देंगे
स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, फिर इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी मेन मेथड की। फिर इसके अंदर अब हमें स्कैनर क्लास को यूज करना है, क्योंकि हमें इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज करना होगा। तो इसके लिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा कि हमें जो दो मेथड थे, जैसे कि इंपोर्ट करवाना, फिर उसके बाद से हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करा देते हैं स्कैनर क्लास को। इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंपोर्ट, फिर उसके बाद से टाइप करेंगे जावा, देन इसका पैकेज जिसके अंदर अपनी स्कैनर क्लास है, तो ये यूटिल क्लास के अंदर है। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज कर लेंगे, इसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमारी जो पैकेज होएगी यूटिल, इसके अंदर जो क्लास होएगा स्कैनर क्लास, वो इंसर्ट हो जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर, इंपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट नंबर, इसको मैं अभी यूजर से इनपुट कराऊंगा नंबर को। ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्कैनर क्लास का, जिससे हम अपना वैल्यू, अपना जो नंबर है वो इंसर्ट करा सके। तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा स्कैनर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने ओबीजे ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाम दे दिया। फिर इसके बाद से न्यू कीवर्ड हम यूज करेंगे, देन फिर से हमें स्कैनर यहाँ पे लिखना होगा। फिर उसके बाद से हमें सिस्टम डॉट इन कीबोर्ड से इनपुट कराने के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, यानी कि सिस्टम डॉट इन। एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं अपने कंसोल पे, जिससे कि यूजर को पता चले कि उसको नंबर को इंटर कराना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंटर अ नंबर। देन यहाँ पे सेमीकोलन, इसके पास जो हमारी वेरिएबल है नंबर, इसके अंदर अब जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम है, आप देख सकते हैं स्कैनर क्लास के लिए जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओबीजे। तो ओबीजे उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो इंटीजर टाइप का है। तो हमें यहाँ पे जो मेथड यूज करना होगा वो यूज करेंगे हम नेक्स्ट इंट, क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को इंसर्ट करा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे नेक्स्ट इंट। तो इससे क्या होगा कि इंटीजर टाइप की वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे, फिर ये नंबर नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर उसकी वैल्यू पास हो जाएगी। तो अब हम इस नंबर का स्क्वायर प्रिंट करा देते हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर को ही हम प्रिंट करा देते हैं, जो हमने वैल्यू एंटर कराई यूजर से उसको हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे कि क्या वैल्यू एंटर हुई। तो यहाँ पे टाइप करेंगे वैल्यू इज, देन यहाँ पे हम यहाँ पे कंकेटिनेशन के लिए हम यूज करते हैं प्लस का साइन। फिर उसके बाद से वेरिएबल का नेम हम दे देंगे कि जो वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू इंसर्ट हो गई, तो ये नंबर जो ये वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इसी वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये देखिए प्रिंट ऐसे होएगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसके बाद हम स्क्वायर का देखेंगे। तो इसको सेव करता हूँ मैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ स्क्वायर डॉट जावा, सेव करते हैं। फिर अब हम इसको कंपाइल करेंगे, यहाँ पे सीएमडी ओपन कर देता हूँ मैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी देन स्क्वायर डॉट जावा, जैसे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जावा, यहाँ पे जावा स्क्वायर, तो ये देखिए हमारे पास एक मैसेज आ गया कि इंटर ए नंबर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर देता हूँ 10, तो ये हमारे पास ये आउटपुट कंसोल में आ गई जो हमने एंटर किया था वैल्यू, वैल्यू इज 10। तो ये यूजर के द्वारा इनपुट हुआ, और ये जो नेक्स्ट लाइन है ये हमने प्रिंट करा दिया कि क्या इनपुट हुआ। अब हम इसका स्क्वायर प्रिंट कराएंगे। अब इसी नंबर का अगर हमें स्क्वायर प्रिंट कराना है, जैसा कि आपको पता है कि नंबर का स्क्वायर क्या होता है कि नंबर इंटू नंबर ही हम कर दे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सेम वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहीं पे कर देते हैं नंबर इंटू नंबर, इसको वापस से सेव कर देते हैं, कंट्रोल प्रेस करके सेव कर दीजिए। फिर हम इसको वापस से कंपाइल करेंगे, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में चेंज किया है। तो कंपाइल करने के बाद अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम नंबर को एंटर करेंगे यहाँ पे 10। अब देखिए इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे वैल्यू एंटर करा सकते हैं स्कैनर क्लास के हेल्प से जावा के अंदर। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे आप प्रोग्राम बनाइए कि जिसमें आप, जैसे कि मैंने अभी इंटीजर का बना दिया, ऐसे आप फ्लोट कोई वैल्यू इंसर्ट कराइए, फिर कोई स्ट्रिंग अपना जैसे नेम हो गया उसको एंटर करा के वापस से प्रिंट करके देखिए, या फिर पूरी पूरी एक लाइन जैसे कि अपना एड्रेस आपका हो गया या फिर लोकेशन हो गई, जो भी है सब कुछ आप इंटर करा के एक एक प्रोग्राम इन सब पे बना लीजिए, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।